नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में आपके लिए लाया हूँ अंडमान निकोबार से जुड़ी हुई कुछ टिप्स। पिछले साल मैंने अंडमान के बारे में एक वीडियो बनाया था जिसका टाइटल था हाउ टू प्लान ट्रिप टू अंडमान निकोबार आइलैंड, यानी अंडमान निकोबार का प्लान कैसे बनाए। तो उस वीडियो का रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा रहा, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। वो मेरे यूट्यूब चैनल के शुरुआती दौर की कुछ वीडियो थी, लेकिन उसमें काफ़ी व्यूज़ आए और लोगों ने काफ़ी उसमें कमेंट भी किए, अपने बहुत सारे सवाल भी पूछे। तो जिन सवालों को आपने पूछा है, जिन सवालों को लोगों ने मुझसे जाना चाहा, मैं उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कुछ सवालों के जवाब आज देता हूँ, कुछ कुछ चुनिंदा सवालों के। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। अंडमान के बारे में सबसे पहला जो सवाल मुझसे पूछा गया है वो है शिप के बारे में, यानी यहाँ से अंडमान जाने वाली शिप कहाँ से मिलती है। तो मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि अंडमान जाने के लिए जो शिप है वो कोलकाता, चेन्नई और विशाखापट्टनम जैसे शहरों से जाती है। तो कोलकाता में एमबी अकबर नामक एक शिप है जो काफ़ी पुरानी है और कोलकाता से जाती है। शिप लगभग तीनों शहरों से शिप के डिस्टेंस है, यानी यात्रा का जो डिस्टेंस है, जो समय है, वो लगभग 60-65 घंटे का लगता है, यानी 2.5 से 3 दिन तक आपको लग सकते हैं। और शिप की बुकिंग जो है अभी ऑनलाइन तो शुरू नहीं हुई है, और कोलकाता की ऑफिस या चेन्नई के जो रिस्पेक्टिव ऑफिसेस हैं वहाँ पर जाके इसके बारे में आप पता कर सकते हैं। वैसे एक अंडमान बीकॉन नाम की एक साइट है जिस पर आप जा सकते हैं। अंडमान बीकॉन की साइट पर आप बहुत सारे उसके शेड्यूल्स, उसके फेयर्स, अलग अलग क्लासों के फेयर होते हैं, जैसे कि 2 से लेकर 8-9 हज़ार रुपये तक की अलग अलग क्लास के हिसाब से उनकी किराया होता है। तो उसके बारे में अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। शिप में आपको समय तो ज़्यादा लगता है, लेकिन आपको एक नया अनुभव मिलेगा और वापसी की जर्नी आप जरूर फ्लाइट से कर सकते हैं, और एक तरह जाने के लिए आप शिप का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा जो सवाल मुझसे लोगों ने पूछा है कि अंडमान जो है वहाँ पर खाने पीने की क्या दिक्कत है, वहाँ खाने पीने का क्या सिस्टम है, क्या खाने पीने जो है हमारे मनपसंद मिलेगा या नहीं। तो मैं बता देता हूँ कि अंडमान में खाने पीने की वैसे कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पर आपको साउथ इंडियन खाना, अधिकतर जगहों पर आपको साउथ इंडियन खाना मिलेगा, क्योंकि वहाँ काफ़ी तमिल लोगों का थोड़ी अधिकता है। तो आपको इडली डोसे अगर खाने में कोई दिक्कत नहीं है तो बेशक आप खा सकते हैं। और वहाँ पर कुछ बंगला भाषी लोग भी हैं जो बंगाली खाना, ये सब आपको बंगाली वगैरह खाना आपको मिलेगा। लैंग्वेज की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे पूछा है कि वहाँ पर लैंग्वेज क्या है, वहाँ का भाषा की कोई प्रॉब्लम है या नहीं, लैंग्वेज प्रॉब्लम है या नहीं। तो लैंग्वेज की बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर सभी लोग हिंदी बोलते और समझते भी हैं। और दूसरे नंबर पर तमिल और बंगला का स्थान आता है, लेकिन उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि 99% लोग जो है हिंदी आराम समझते हैं और भाषा की कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाने पीने का भी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से वेज नॉन वेज हर तरह का खाना आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और दूसरा एक विचित्र सवाल मुझे लोगों ने मुझसे किया कि क्या अंडमान जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत है। भैया मैं बता देता हूँ, तो भारत का ही एक हमारा राज्य है, केंद्र शासित राज्य है, तो वहाँ पर पासपोर्ट जाने की जरूरत कैसे हो सकती है। भले ही नक्शे में आप उसे थोड़ा सा भारत के मेन लैंड से थोड़ा बाहर आप उसे देखते हैं, तो ये सोचकर आप कन्फ्यूजन हो कि वहाँ पर जाने के लिए किस तरह की पासपोर्ट की जरूरत आपको पड़ेगी। बिल्कुल वो भारत में हमारे देश का हिस्सा है, वहाँ पर जाने के लिए किसी तरह कोई पासपोर्ट की जरूरत नहीं है। तो एक और सवाल लोगों ने मुझसे किया है कि वहाँ पर पोर्ट ब्लेयर के अलावा जो नील हेवलॉक जैसे द्वीप जो हैं वहाँ पर जाने के लिए शिप की बुकिंग कैसे होती है। तो बता देता हूँ कि आपको वहाँ पर शिप दो तरह के होते हैं, प्राइवेट और सरकारी। प्राइवेट शिप जैसे कि मैक्रूज और ग्रीन ओशन नाम की शिप वहाँ पर चलती है, तो इनकी वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर आप ऑनलाइन बुकिंग आराम से कर सकते हैं। नाम याद रखिए, मैक्रूज और ग्रीन ओशन, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के अंत में आपको दे दूंगा। और सरकारी शिप की बुकिंग तो उनके काउंटर से ही होती है, जैसे ही आप पोर्ट ब्लेयर जाएंगे वहाँ पर वहाँ के जो बंदरगाह है, जो जेट्टी है जहाँ से जहाज़ें निकलती है, उनके ऑफिस में जाके आप सरकारी शिप की टिकट बुकिंग कर सकते हैं। सरकारी शिप टिकट बुकिंग की एक सबसे बड़ी खामी यही है कि आप उसे ऑनलाइन बुक नहीं कर सकते और उसकी बुकिंग आप काउंटर पर जाकर लाइन लगकर ही आपको करनी पड़ेगी। तो ये काफ़ी थोड़ा सा हेक्टिक प्रोसेस आपको लग सकता है, क्योंकि इसके लिए आपको समय देना पड़ेगा और पहले से आपको बुकिंग अगर नहीं मिली है तो वहाँ जाकर आप रिस्क में हमेशा रहेंगे। अगर पीक सीजन हो तो काफ़ी रिस्क रहेगा कि आपको टिकट अगर सरकारी नहीं मिलती है, तो फिर प्राइवेट की भी अगर नहीं मिली तो आपको आपको
जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए मेरी राय में आप प्राइवेट सीट भी ले लें, भले पैसा उसमें आपको 200-400 रुपये ज़्यादा आपको लगेंगे, लेकिन आपको ऑनलाइन बुकिंग आराम से हो जाएगी और आपके जर्नी में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और सवाल जो लोगों ने मुझसे किया है वो है अंडमान में बस और टैक्सी वगैरह की क्या सुविधा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की क्या सुविधा है। तो सबसे पहले मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हर जगह वहाँ पर जब द्वीपों का साम्राज्य है, जब एक दूसरे दूसरे द्वीप में आपको बोट से जाना है तो हर जगह आप बस और टैक्सी का सहारा नहीं ले सकते, लेकिन पोर्ट ब्लेयर लोकल सिटी घूमने के लिए पोर्ट ब्लेयर के कोने कोने में सरकारी बसों की सुविधा बहुत अच्छी है। जैसे चिड़िया टापू की जो डिस्टेंस है सिटी सेंटर से 30 किलोमीटर दूर होने के बावजूद भी वहाँ पर बस की सुविधा है, यानी पोर्ट ब्लेयर सिटी में आपको कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर ऑटो भी चलती है। टैक्सी तो मैंने बहुत कम ही देखे, लेकिन ऑटो पक्का है कि ऑटो हर जगह आपको मिल जाएगी। बसों की सुविधा भी बहुत अच्छी है। तो इस तरह उसके बाद आपको अलग अलग टापुओं पर या द्वीपों पर जाने के लिए तो आपको बोट से या क्रूज या शिप से ही जाना पड़ेगा। उसके बाद अगर नील आप जाते हैं तो नील में तो बस नहीं चलती, लेकिन वहाँ पर आप टापू इतना छोटा है कि 5 किलोमीटर की जो दूरी है वो आप पैदल भी घूम सकते हैं, और ऑटो तो आपको मिलेगा, पैदल चलने परेशानी है तो आपको ऑटो मिलेगा नील द्वीप में। उसके बाद हैवलॉक में जेटी से राधानगर बीच का नाम सुना होगा तो वो 10 किलोमीटर वहाँ से करीब है। वहाँ पर जाने के लिए आपको बस हर आधे घंटे में बस मिलती है, और बस से आप जा सकते हैं, ऑटो की भी सुविधा है। और पारातांग नाम का जगह एक है जो मिडिल अंडमान में आता है, वहाँ पर जाने के लिए आपको लगभग पोर्ट ब्लेयर 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो वहाँ पर आप बस से जाइए। तो इस तरह लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में इतना कहूँगा कि पोर्ट ब्लेयर के अंदर में आपको बस और ऑटो की सुविधा मौजूद है। उसका शिप से आप नील और हैवलॉक जाते हैं तो उनके अंदर भी आपको ऑटो की सुविधा है, बस की सुविधा सिर्फ राधानगर में है, नील में बस की सुविधा नहीं है। और बारातांग जब आप जाते हैं जहाँ पर लाइमस्टोन की गुफाएं देखने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपको बस से ही जाना पड़ेगा। अगर टैक्सी से जाएंगे तो आपको थोड़ी सी आपका जर्नी कॉस्ट आपको पड़ेगा। वाटर स्पोर्ट्स के बारे में भी लोगों ने कुछ सवाल किए हैं। मुझे कुछ लोगों ने पूछा कि वाटर स्पोर्ट्स अंडमान में सबसे अच्छा कहाँ पर होता है, तो पोर्ट ब्लेयर में एक राजीव गांधी मेरिन वाटर कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स वहाँ पर होते हैं, जिसमें स्कूबा डाइविंग, सी वॉकिंग, ग्लास बोट राइडिंग, ये सब चीज़ जो है वहाँ कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पोर्ट ब्लेयर का मुख्य सेंटर होने के कारण वहाँ पर आपको इनका जो किराया है या इनकी जो फीस है चार्जेस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि स्कूबा डाइविंग के लिए मैंने देखा है कि पोर्ट ब्लेयर में वे लोग 3,500 रुपये लेते हैं, वहीं मैंने हैवलॉक में कहीं 2,000 रुपये के भी विज्ञापन देखे हैं। तो आप कम से कम 2-3 जगहों पर जरूर देख लें कि सबसे अच्छा रेट कहाँ पर मिल रहा है और उसके हिसाब से निर्णय लें। पोर्ट ब्लेयर में ही आपको सारा कुछ करना जरूरी नहीं है, आप आगे जाकर नील या हैवलॉक जैसे जगहों पे भी वहाँ पर भी आप वाटर स्पोर्ट्स कर सकते हैं और यहाँ से आप सस्ते में कर सकते हैं। और एक अंतिम सवाल जो जो लोगों ने पूछा है कि अंडमान घूमने में कितना समय लगेगा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि अंडमान जनरली लोग 1 सप्ताह 5 दिन से लेकर 1 सप्ताह के लिए जाते हैं, और उसमें साउथ अंडमान ही कवर होता है। साउथ अंडमान में पोर्ट ब्लेयर, नील, हैवलॉक और बारातांग, ये 4 जगह लोग घूमते हैं, लगभग 1 सप्ताह इनका समय लगता है। और नॉर्थ अंडमान में डिगलीपुर, ये रंगत, ये सब जगह जो है वो नॉर्थ अंडमान में आते हैं। तो वहाँ पर जाने के लिए आपको पोर्ट ब्लेयर से एक लंबी बस पकड़नी पड़ेगी, लगभग 300 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है, 8-10 घंटे का समय उसमें लगता है। तो अगर आप नॉर्थ अंडमान में जाना चाहते हैं तो लगभग 2-3 दिन उसके लिए आप एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा, कम से कम टोटल अंडमान का प्लान आपको कम से कम 10 दिनों करना पड़ेगा। दोस्तों एक और बात मैं आपको अपनी तरफ से बताना चाहता हूँ होटल बुकिंग के बारे में। होटल बुकिंग पोर्ट ब्लेयर में कोई दिक्कत नहीं है, पोर्ट ब्लेयर में आपको 200-500 रुपये से लेके 1,000 रुपये तक के बजट के हर तरह के छोटे बड़े हर तरह के आपको होटल मिल जाएंगे। वहाँ पर होटल की इतनी क्राइसिस भी नहीं है, क्योंकि आप अगर बुकिंग करके न भी जाएँ तो वहाँ पर आपको आराम से कोई ना कोई होटल जरूर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप पीक सीजन में जाते हैं तो आपको नील और हैवलॉक में थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर होटल की कुछ कमी है, और हैवलॉक में तो पीक सीजन में काफ़ी ज़्यादा भीड़ वहाँ पर हो जाती है, और वहाँ पर लोगों पर टूरिस्ट को मैंने इधर उधर होटल के लिए भटकते हुए देखा है पीक सीजन में। तो बेहतर होगा कि आप हैवलॉक जाने से पहले ज़रूर कोई ना कोई होटल ऑनलाइन बुकिंग एकदम बिल्कुल करके ही जाएँ, और नील भी जाते हैं तो वहाँ पर ऑनलाइन करके ही जाएँ। नील में थोड़ा क्राइसिस कम होगी, लेकिन हैवलॉक में तो बिल्कुल
आपको पीक सीजन में बहुत कम चांस है कि वहाँ पर जाएंगे और आपको होटल मिल ही जाएगा। इसलिए हर लोग के लिए आप पहले से बुकिंग करके जाएं, फोर्टवेयर में कोई दिक्कत नहीं है, और नील में अगर करके जाते हैं तो बेहतर है, वरना आपको नील में भी वहाँ पर कोई ना कोई होटल आपको मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप नॉर्थ अंडमान जाना चाहते हैं, नॉर्थ अंडमान के डिगलीपुर वगैरह में तो वैसे बहुत कम टूरिस्ट जाते हैं, इसलिए वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने रंगत जो मिडिल अंडमान में आता है वहाँ पर मैंने सस्ते लॉज में मैंने यूज़ किया था, सस्ते लॉज वहाँ पर जाने के बाद मैंने सस्ता लॉज लिया था, क्योंकि बहुत सारे लॉज नॉर्थ अंडमान में जो हैं रंगत और डिगलीपुर जैसे जगहों के, तो उनके अधिकतर लॉज जो है इंटरनेट पर कहीं है नहीं, इंटरनेट पर कहीं दिखाई नहीं देते, बड़े बड़े होटल ही दिखते हैं। तो वहाँ पर जाकर आप उन छोटे छोटे लॉजों को बुक कर सकते हैं, वहाँ पर डायरेक्ट जाइए और रूम ले लीजिए। डिगलीपुर का भी यही हाल है, वहाँ पर भी आप जाकर 300-400 रुपये में कोई भी, अगर आप बजट ट्रेवलर हैं तो आप 300-400 रुपये का लॉज भी आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक समराइज कर देता हूँ कि फोर्टवेयर में होटल की कोई दिक्कत नहीं है, हेमलॉक में अवश्य आप पीक सीजन में जरूर करके जाएं, नील में वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्थ अंडमान में भी कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर जाकर आप ऑन द स्पॉट कोई भी होटल आप ले सकते हैं। तो इस तरह एक बार फिर से मैं समराइज कर देता हूँ कि पूरे वीडियो में मैंने क्या क्या बताया। सबसे पहले मैंने बताया कि वहाँ पर लैंग्वेज की कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हिंदी सब कोई समझते हैं, खाने की भी दिक्कत नहीं है, मेनली साउथ इंडियन मिलता है, लेकिन फिर भी आपको नॉर्थ इंडियन भी बहुत जगह पे आपको नॉर्थ इंडियन खाना भी मिल जाएगा, वेज नॉन वेज की भी वैसे कोई दिक्कत नहीं है। शिप की बुकिंग आप ऑनलाइन कर सकते हैं, वहाँ जाकर सरकारी शिप की भी बुकिंग कर सकते हैं। तो बस ऑटो टैक्सी की भी कोई दिक्कत नहीं है, पोर्टवेयर में हर जगह बस की सुविधा है, ऑटो भी मिलेंगे, और उसके बाद नील में भी ऑटो की सुविधा है, और हेवलॉक में राधानगर बीच जाने के लिए आपको बस मिलेगी और टैक्सी मिलेगी, सॉरी ऑटो मिलेगी। उसके बाद बारातंग जाने के लिए आप बस से जाइए, क्योंकि आपको 100 किलोमीटर का डिस्टेंस वहाँ से है, तो उसके लिए आपको आपको थोड़ा सा ज़्यादा पैसा चुकाना पड़ेगा, इसलिए आप बस से वहाँ जाएँ। और नॉर्थ अंडमान जाने के लिए आप बस का सहारा लें, 8-10 घंटे की वो दूरी है, कम से कम 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है। इसलिए नॉर्थ अंडमान जो पोर्टवेयर से डिगलीपुर की है वो 8-10 घंटे की है, वहाँ पर आप जा सकते हैं अगर आप नॉर्थ अंडमान भी जाना चाहें तो। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर मुझे फीडबैक दें, और अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, और आपके मन में अगर और कुछ सवाल हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में करें। अंडमान निकोबार यात्रा के बारे में अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं ज़रूर मुझे पूछें।